हमारे कौमी जबान पश्तो है, बलोच की कौमी जबान बलोची है, पंजाबियों की कौमी जबान पंजाबी है, सरायकियों की कौमी जबान सरायकी है, सिंधियों की कौमी जबान 5000 साल से सिंधी है। महमूद खान ने ठीक तारीख बयान की है लाहौर में जो है, हमने जब शाह शुजा अफगान को नहीं बख्शा है तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे जिसने भी अंग्रेज की तनख्वाह ली हो, जो भी अंग्रेज के फौज में थे। ये आप सुन ले, आपके पार्टी में ये जो मखदूम है, मखदूम इसके आबाओ अजदा का मालूम कर लो, ये जायदादें, ये इन लोगों की जो पैसे तनख्वाह जो है, हमें मालूम है 8 रुपए पे तनख्वाह ले रहा था। इन लोगों की सेहत भी है ये मखदूम की, मुल्तान वालों की। आप यहां पे बात कर रहे हो, इमरान खान की सेहत हमें मालूम है कि उसके सालाना और उसके महीने का खामोश रहे। इसने महमूद खान का लाल नाम लिया है। सुन लो ओ अजीज, सुन लो, मजाक मत बनाओ। यहां पर आप एक लगड़ी को ला कर गए, वहां पर हमारे लीडरशिप के खिलाफ इनकी एक जुरत, सारे टीडीएम के लीडरशिप का मैं दिफा कर रहा हूं। क्या हैसियत है उसकी, क्या उसकी आपके वजीर आजम की मॉरल, क्या उसका हैसियत है? आप खुद भी उस शर्त से उसे उस्मान साहब इधर बात करें, उस्मान साहब चेयर से। मैं बात नहीं, चेयरमैन साहब, मैंने 6 साल में जाती तौर पे बात नहीं की है, ये पर्सनल जा रहे हैं। अभी पर्सनल इन लोगों को सुनना पड़ेगा। ये तरीका गलत है इन लोगों का। इनका लीडर का क्या हैसियत है, इस मखदूम का क्या हैसियत है, जो इन लोगों के साथ है, इन लोगों के क्या हैसियत है, हमें मालूम है। हाँ, मेरे लीडर के हवाले से ले आओ, मैं आपके लीडर से के हवाले से ले आऊंगा। यहाँ पर ये हाउस जो है वो फैसला कर लें, आवाम फैसला कर लें। हाँ, मेरे लीडर ने खान शहीद ने अंग्रेज के खिलाफ 30 साल जेल में गुजारे। आप इस आपके लीडर इज्जत वाले बातें कर रहे हो। मेरे कारकुनों ने, मेरे पार्टी के साथियों ने जयाउल्लाह की मार्शाला, आयुबी मार्शाला, मुशरफ मार्शाला, याया खान मार्शाला में जो है शहादतें दी है। इन लोगों ने वहां पे जेलें काटी हैं। आप बात कर रहे हो, एक जर्नल ने आपको लाकर सियासत में, दूसरे ने इकतदार में लाकर, यहां पर हमारे उरियत पसंदों के हवाले से बात कर रहे हो। तो जनाब चेयरमैन साहब, मोहसिन साहब प्लीज, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूं जी, आखिरी बात करेंगे जी, आखिरी। और ये लोग तैयार नहीं होंगे, 16 मिनट, ये लोग तैयार नहीं होंगे जी। एहतसाब के लिए मुश्तरिका मैकेनिज्म होना चाहिए, सबसे पहले पॉलिटिशियन का, पार्लियामेंटेरियन का, सियासतदानों का एहतसाब। दूसरा जो है वो जजिस का, तीसरा जो है पूंजी स्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेट्स का। मुश्तरका कमेटी उसके लिए आप तैयार हो सकते हो? नहीं, आपके ये जुरत नहीं है। अगर आपको 200 साल खुदा दे दे, आप 200 साल पार्लियामेंट में हो, इधर बात करें उस्मान साहब, आप ख्वाब में भी जो है ये तसव्वुर नहीं कर सकते हो। हाँ, हम तैयार है इसके लिए, जजेस, फौजी, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन सबका एहतसाब के लिए एक मैकेनिज्म बना लो। ये आप नहीं कर सकते हो, ये आपका काम नहीं है। आप सिर्फ, आपको जिस एजेंडे के तहत लाया गया है, आप उस एजेंडे पे अमल पैरा हो के पार्लियामेंट के दो बेतुकीरी, 18वीं तरमीम को खत्म करना, एनएससी को खत्म करना, सदारती निजाम लागू करना, और यहाँ पे जो है इंतजामी तौर पे सूबे बनाना, और यहाँ पे जो है मकमल कंट्रोल जो है बकोले शेख रशीद के गेट 4।
वो खुद गवाह है इस बात के, वो खुद गवाह है। ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन में जो है आपका मिनिस्टर गवाह है कि वहां पे फोन हुआ जीएचक्यू को, फिर उसने जो उसके कामयाब करवाया, आप खुद गवाह हो। और गवाहों की जरूरत क्या है हमारे लिए जो है, कैबिनेट में लोग बैठे हुए गवाह है, हुकूमत में बैठे हुए गवाह है, और आपके अंदर जो जमीर है वो खुद आपके अंदर जो जमीर है वो गवाह है। थैंक यू सर, मेहरबानी।